अस्सलामुअलैकुम। हम लोग आए हैं ज़रा इधर वाक एंड, यहाँ हमारा यूथ का प्रोग्राम था और ये वाक एंड के बारे में पता नहीं मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है। वाक एंड के बारे में बताऊँ, ये सीधी रोड है, 17 किलोमीटर लंबा शहर है, ये आगे से शुरू होता है, हम तकरीबन शहर के मिडिल में है। 17 किलोमीटर लंबा शहर है और ये एक ही सड़क पर पूरा शहर है। इसमें जिस साइड पे रोड के इस साइड पे तकरीबन यहाँ से लेकर फैक्ट्रियाँ वगैरह जितने पाकिस्तान में मिसाइल वगैरह बनते हैं, टैंक बनते हैं, वो यहाँ बनते हैं। और सामने कॉलोनी है और झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। एक मिनट, इधर तो आओ, ये हमारे भाई हैं, ये पेशावर से आए हो ना? हाँ, ये पेशावर से हैं। मैं खाली यहाँ नहीं बनते, पूरे पाकिस्तान में भी बनते हैं, ये खाली मशहूर है बस। अच्छा, हाँ ये मशहूर है। और मैं कराची से आया हूँ, आपका कराची बॉय, और बस और कुछ नहीं, अल्लाह। तो जानी, जब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैं वाक एंड क्यों गया और कौन से यूथ प्रोग्राम की बात कर रहा था, तो मैं इस बार गया था TMP, तहरीके मेहनत पाकिस्तान के साथ गया था और उन्हीं का यूथ प्रोग्राम था और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। अब TMP के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक ऑल ओवर पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को बोलती है पढ़ें, आप पढ़ें, भले आप कोई सी भी किताब पढ़ें लेकिन आप ज़रूर पढ़ें, आप भले जिस फिक्र से, जिस मसलक से आपका ताल्लुक़ है, आप उसकी किताब लेके जाएं, आप पढ़ें। बेसिकली लाइब्रेरी टाइप एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी लाइब्रेरियाँ हर जगह पूरे पाकिस्तान में, वाक एंड में इनका मरकज़ है। तो इन्होंने यूथ को बुलाया था, मतलब यूथ जो है आजकल पढ़ाई से बहुत दूर हुई है, तो इन्होंने यूथ को बुलाया था कि यूथ आए और इनके जो प्रोग्राम्स में ले हिस्सा ले। तो उनके प्रोग्राम्स के बारे में अभी अगली क्लिप में आप देखें। और मैं उसकी तरह मगर उनके साथ मोहब्बत से पेश हो, इखलास से पेश हो, उनकी इज्जत करो, उनसे जो दुआ करवाओगे, मैं कहता हूं यहां आप पूरे का पूरा घर उजाड़ के दे दो, उसका कोई असर नहीं होना, जो तुम्हारे माँ और जो तुम्हारी बाप के मुंह से निकली हुई दुआ होगी वो कभी वापस नहीं होगी, वो आपके लिए कैश। सुबह से शाम तक लेक्चर दूं, उसका जीरो असर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिस्क के हराम खाता हूं, कोई असर नहीं। तो पहली बात साइकोलॉजिकली ये है कि वो नफ्सियात कहती है कि स्पिरिचुअल बॉडी जो है, रूहानी बॉडी, इसका खास ख्याल रखो। इसमें दो बुनियादी जो चीजें हैं, एक है ट्रूथफुलनेस और दूसरी है ऑनेस्टी, इन दोनों का ख्याल रखो ताकि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सेहतमंद रहना चाहते। हाँ जानी, KPK गए और अपने गांव नहीं गए और KPK की खूबसूरती नहीं देखी तो KPK आए क्यों? तो वाक एंड से पारे होते ही अगले दिन मैं पहुंचा अपने गांव और मेरे गांव के सीन्स कुछ ऐसे हैं। Let him take advantage, I was wildin' on record, off record deals. Tell him talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, we ain't trying to go to the stump for you. For the record, lab on me going all the way. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला सादिक और हम ज़रा आए थे इधर जहाँ पे हमने बनाया था तीसरा ब्लॉग बनाया था, याद नहीं है। तो ये जगह है फराड़ी और पहले ब्लॉग में हमें इतना मज़ा नहीं आया था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और आज भी टाइम बहुत कम है, मतलब बिल्कुल ही कम है, क्योंकि कल की मेरी टिकट है वापस की, कल एक ट्रेन शुरू हुई है रहमान बाबा एक्सप्रेस, तो हमने बोला भैया इसमें सफ़र करके देखने कैसी ट्रेन है। तो पेशावर से 24 घंटे में कराची पर जाती है, तो अभी मुझे यहाँ से जाना है पेशावर। तो पेशावर जाने के लिए व्लॉग नहीं बना सकूँगा क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो और कैमरे की चार्जिंग नहीं, और मुझे यहाँ से फटाफट निकलना है। मैंने बोला एक क्लिप ले लूँ भैया, तो बस ये है, आपने जगह तो देखी होगी, ऊपर आई बटन में मेरा पहले व्लॉग का आ रहा होगा, वो देख लीजिएगा। भैया ये हम आए थे हरिपुर फराड़ी की तरफ और यहाँ से ये ऊपर वो नीचे जगह है वहाँ से ना, वो जो वो सामने आप देख रहे हैं
वहाँ से ये इस रास्ते से गाड़ियाँ आके ना ये ऐसे ऊपर आके इधर 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 ये वो ऊपर ना बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे, सही है, इन्होंने वो लगाया टावर लगाया टेलीनॉर वालों का, और टेलीनॉर का है ज़बरदस्त सिग्नल आते हैं। टेलीनॉर वालों भैया स्पॉन्सर कर दो, देखो आपकी मशहूरी कर रहा हूँ, सही है, देख लो मेरी वीडियो। और जिस टाइम पे मैं गया उस टाइम पे सर्दी बहुत थी, हालांकि सर्दी अभी भी बहुत है, लेकिन उस टाइम पे सर्दी पीक पे थी। तो सर्दी में आए और नथिया गली नहीं गए तो भैया आए क्यों? दिल के लिए सब बंदर आया हुआ, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बहुत हाइट पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, हम जरा आए थे इधर एबटाबाद और ऊपर की साइड, और क्या कहते हैं हमारी गाड़ी माशाल्लाह से बड़ी पावरफुल गाड़ी थी, और क्या वो बंद हो गई है, सही है, काम 25 है और सीन्स को जैसे हैं, और उसके बाद बस आप चेक करें, ठंड बहुत है, लग भी बहुत रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है, और बस ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं सही है, इस वक्त एबटाबाद दिखाना है यार लोगों को, एबटाबाद दिखा यार, इधर देख मैं बनाता हूँ, ये देख ये देख ये 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 एबटाबाद है, बट टोटली ये बस यही है। भाई देख लो अभी मेरे हाथ से कैमरा निकल चुका है, लोग बोलते हैं यार सेल्फी हाथ में लेके बनाते रहते हैं, मैं हाथ छोड़ दिया, भाई को दे दिया कैमरा, और मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा है, गाड़ी जा थोड़ा गाड़ी से तेज तो हम लोग चढ़ जाते हैं। लोग इस वक्त आप देख सकते हैं हमारा एबटाबाद, ये है भाई एबटाबाद, हाथ ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, हाथ क्या पूरा जिसम ही ठंडा हो गया भाई। जिस वक्त आप देख सकते हैं हम सब हैं इस वक्त सब के सब। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम जरा आए थे नथिया गली की साइड, यहाँ ठंड बहुत है, और क्या कहते हैं तकरीबन क्या कहते हैं 2 degrees centigrade टेम्परेचर है, और सही जमी हुई है बारिश में और ठंड में। मैं पहली बार आया हूँ ठंड में इस साइड, और कसम से यार हाथ पांव जम गए मेरी। इस वक्त आप देख सकते हैं इसका कैमरा गिर भी सकते हैं यहाँ से, सही है, ये बड़ी बड़ी अबे एक मिनट चुप अबे YouTube पे डालूंगा भी नहीं यार, देखो बड़ा रिस्क लेके इधर रखा हुआ है कैमरा, और सिर्फ आप लोगों के लिए, कोई किसी ने हवा भी चली मेरा कैमरा डायरेक्ट नीचे, बहुत बड़ी खाई है आपको हम दिखा सकते हैं। एक मिनट से आप कैमरा नहीं उठाए बस। तो सीन एंड सन्स की सेकेंड एडिशन मतलब कॉपी आप लोग कहते हैं, तो उनकी जानिब से आपके लिए ये अभी है आगे, ये अभी यहाँ तक का सफर था, आगे का सफर आप देखेंगे, मेरे से और बोला नहीं जा रहा, अल्लाह हाफिज़। एक मिनट ये आप देख सकते हैं आपके साथ इंडस न्यूज एबटाबाद एबटाबाद। बर्फ देख लो, मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखी, जिसने नहीं देखी है तो देख लो। कैसा दिया? नहीं दिया अच्छा। जाने दो भैया जाने दो। अरे भैया हम जरा आए थे नथिया गली की साइड पे, हमने बोला आपको भी दिखा दें, ब्लॉग चल रहा है अपना, सर्दी बहुत है और मैं इधर तकरीबन जम चुका हूँ, सही है, मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है, वो तरना है ना वो, वो एक बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, मजा आ रहा है आई हम वो बहन, हाँ हाँ हम लोग आ चुके हैं बाहर, मजा आया। नथिया गली में कुछ ज़्यादा ही ठंड थी, तो हमने बोला कि चलो अब नथिया गली से निकल के थोड़ी कराची की गलियों में जाते हैं, तो यहाँ पे हुआ मेरा सफ़र इख्तिताम, और
कराची आने के चक्कर में जल्दी जल्दी में मुझसे एक बहुत बड़ी हो गई गलती। वालेकुम, मैं अभी वापसी का मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया है। यहाँ से बैठूँगा पिंडी, रावलपिंडी से कराची के लिए मैं अभी आया हूँ। सुबह एक गलत फहमी हो गई मेरे से, वो ये हुआ कि मैं यहाँ से बैठा था, मैंने 117 पे फ़ोन किया, मैंने भाई नई रहमान बाबा एक्सप्रेस चली है तो ये कितने बजे पहुँचेगी पिंडी, तो उन्होंने मुझे बताया कि 11:30 बजे निकल जाएगी पिंडी से। मैं भागते हुए पिंडी आया हूँ और क्या कहते हैं, मैंने फिर यहाँ पे आके पता किया रहमान बाबा एक्सप्रेस वाकई में खड़ी हुई थी, लेकिन वो पिंडी से पिशावर जाने के लिए, तो मुझे तो जाना था कराची। मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने बोला यार कराची जाने वाले कितने बजे, तो उन्होंने बताया कि आएगी आपकी 12:15 के दरमियान पहुँच जाएगी और 1:30 बजे तक निकल जाएगी। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ रहमान बाबा आएगी, तो इसके बाद मैं जाऊँगा कराची। तो सारे सफ़र का ब्लॉग आप देख रहे हैं, तो कराची पहुँच गई, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। जैसे हमने बोला था कराची आके होगी आप लोगों से मुलाकात, तो हो गई मुलाकात और हो गई बातचीत, और आप लोगों को उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। तो अगर आप ऐसी और वीडियोज़ चाहते हैं तो मुझे बताएं, नीचे कमेंट करें, और भैया आप सब्सक्राइब कर रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम दिल से आपको, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं। हमारे जितने भी हैं 800 लोग हो चुके हैं, और 800 लोगों को मैंने अपने अपने दिल में, अपने इस कमरे में जगह दी, सही है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस अब यही कहूँगा कि बाय। कैसे जिंदा हो, हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है मुल्तान की ठंड, बस बड़ी मुश्किलों से उतरे हैं, ये मुल्तानी हलवा लिया अपने खाने के लिए, और बस ऐसी की तैसी है, पता नहीं कैसे जिंदा हो यहाँ मुल्तान में। यार इतनी ठंड तो वहाँ इस्लामाबाद में भी नहीं थी जितनी यहाँ ठंड हो रही है भैया।